गाड़ी तो चाहिए आपको 12 लाख में और फीचर चाहिए 20 लाख रुपए वाले। MID कुछ ऐसा है और कैनवुड का लोगो कुछ ऐसा सा देखने के लिए मिलेगा, महिंद्रा का लोगो भी नहीं आता। ये जो मेरा सिस्टम है ये खराब हो चुका है और इसके ये वाले फंक्शन जो है चल नहीं रहे। बटन वर्क तो कर रहा है पर गाना आगे पीछे नहीं हो रहा, क्योंकि अगर कोई आवाज उठाएगा नहीं तो ये वाला सिस्टम आपको चिपकाते रहेंगे। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू रैम्बलिंग बाउंड्री। सुबह के बजे हुए 8 और आज हम फिर से लेकर के आ चुके हैं अपनी बुलेरो नियो एंड 10 टॉप मॉडल। जो पीछे वाली वीडियो हमने डाली थी भाई, उसमें आपके कुछ एक सवाल थे जिनका जवाब आज देने के लिए मैं यहां पे आया हूं। एक भाई ने सवाल किया था, भाई अगर आपने N10 ऑप्शनल वेरियंट लिया होता तो आप फिजिकल बटन वाला स्क्रीन मिल जाता, क्योंकि भाई इसमें जो स्क्रीन है वो कैनवुड की देसी सी है, उसमें आपको कैनवुड का ही लोगो मिलता है, उसमें कोई महिंद्रा का लोगो नहीं मिलता। जो जो कस्टमर के साथ धोखा हुआ है वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, मतलब शेयर किया ही था, तो उसमें कमेंट आना शुरू हो गए। तो आपको बता देता हूँ भाई, आपकी नॉलेज के लिए मेरे पास है N10R वेरियंट। N10R और N10 ऑप्शनल में सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस है और वो है MTT का, मल्टी टेरेन टेक्नोलॉजी, जिसमें क्या होता है कि आपकी गाड़ी का एक टायर खड्डे में और एक टायर हवा में लटका हुआ हो तो उस केस में जो एक टायर की शक्ति होती है, एक टायर की पावर होती है, वो चली जाती है भाई आपकी दूसरे टायर में, शिफ्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं भाई मल्टी टेरेन टेक्नोलॉजी। और उसका मैंने सोचता कि भाई इतने ज़्यादा कुछ खास उपयोग होगा आपकी आम जिंदगी में कि भाई कहीं आप अपनी गाड़ी को हवा में लटका रहे हो और वो अपनी पावर जो है शिफ्ट कर रहा हो दूसरे टायर के लिए, तो इतना भाई कभी जरूरत नहीं पड़ती। उसके लिए आप 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा दोगे तो आपकी गाड़ी की कॉस्ट 14 से 15 लाख रुपये के बीच में चली जाएगी भाई। उस रेंज में अगर आप सच में जाना चाहते हो तो आपको थार का भी ऑप्शन है रियर व्हील ड्राइव का, भाई लुक भी बनेगी और थोड़ा सा रौला भी है अभी मार्केट में थार का। या फिर आप स्कॉर्पियो N का वेरिएंट ले सकते हो, बेस मॉडल वो भी आ जाएगा। XUV 700 का बेस मॉडल वो भी आ जाएगा। मैं कहां भाई बात को कहां से कहां ले गया सीधा ही। उनका एक और कमेंट रहा खतरनाक वाला, गाड़ी तो चाहिए आपको 12 लाख में और फीचर चाहिए 20 लाख रुपए वाले। भाई ऐसा नहीं है, मुझे 20 लाख रुपए वाले फीचर नहीं चाहिए। मुझे जो मैं गाड़ी बाय कर रहा हूँ, जो फीचर इसमें ऑलरेडी पहले आया करते थे, मुझे वो ही फीचर अपनी गाड़ी से रिक्वायर्ड हैं, ना कि भाई मुझे कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। एक्स्ट्रा तो मैं डिमांड कर भी नहीं रहा और मुझे इतने तो उम्मीद है, अगर मैं रगड गाड़ी ले रहा हूँ तो भाई ज़्यादा फीचर्स तो इसमें नहीं आ सकते। भाई कोई भी बंदा अगर गाड़ी प्लान करता है 12 लाख की रेंज में तो भाई उसके दिमाग में बहुत से सवाल होते हैं कि कौन सी गाड़ी लें, कौन सी नहीं गाड़ी लें। जैसे कि इसमें आपका विटारा ब्रिजा आ जाती है, सॉरी ग्रैंड विटारा आ जाती है, ब्रिजा आ जाती है, नेक्सॉन आ जाती है, XUV 300 आ जाती है। बंदा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहता है क्योंकि उनमें फीचर ऑलरेडी ऐसे है ना, फुल्ली लोडेड भरी पड़ी हैं गाड़ियाँ, तो बंदा फिर भी भाई इस गाड़ी के ऊपर क्यों आता है? इस गाड़ी के ऊपर इसलिए आता है क्योंकि रियर व्हील ड्राइव है, स्कॉर्पियो 3rd जनरेशन के प्लेटफॉर्म पर ये गाड़ी बनी हुई है, इसलिए बंदा इस गाड़ी को बाय करना चाहता है। ऊपर से बॉक्सी लुक है, गाड़ी अच्छी लगती है देखने में, रोड प्रेजेंस इसकी अच्छी है, ऊपर से भाई चारों दरवाजे खुलते हैं, 7 सीटर है गाड़ी, बंदा इसलिए इसको बाय करता है। मैंने भी यही सब सोच करके ये गाड़ी बाय करी थी। इतनी सी गलती होगी कि भाई मैंने टॉप मॉडल ले लिया, मुझे N8 लेना चाहिए था या N4 लेना चाहिए था। मेरा कीड़ा ऐसा है कि मुझे आफ्टर मार्केट काम करवाना बहुत अच्छा लगता है, मैंने सोचा कि इस बार आफ्टर मार्केट काम नहीं करवाते हैं और थाली में परोसा हुआ सीधा ही खाना ले लेते हैं। तो भाई मैंने यही गलती कर दी कि मैंने थाली में परोसा हुआ खा लिया, और थाली में परोसा हुआ खाने के बाद फिर बाद में जब पछतावा होता है ना, वो बहुत बुरा होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको एक DRL मिल जाती है, हैलोजिन सेटअप है, ये कॉर्नरिंग लाइट जो कि बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे कॉर्नरिंग लाइट मिल जाती है, जो फॉग लाइट है वो भी आपको मिल जाती हैं हैलोजिन, तो थोड़ा सा ना यहाँ पे कॉस्ट कटिंग वाली बात आ जाती है। अगर टॉप मॉडल दे रहे हो तो भाई आपको ना यहाँ पे एक लेंस दे देते, हाँ भाई दो लेंस ना दे करके आप इसमें एक लेंस दे देते तो भी गाड़ी की लुक ना एकदम मॉन्स्टर वाली आती, ठीक है। टॉप मॉडल वालों की बात कर रहा हूँ भाई, बेस मॉडल वालों की नहीं कर रहा हूँ। N4 N8 तक तो ठीक है हैलोजिन लाइट, और फिर N10R और N10 ऑप्शनल, उसमें भाई कोई भी डिफरेंस नहीं है, उनमें आपको सेम फीचर मिलेंगे, सिर्फ MTT का फंक्शन है, वो भी भाई आपको ऐसे देखने के लिए नहीं मिलेगा कि हाँ भाई कहीं बाहर लिखा हो या कहीं बाहर से दिख जाए MTT, वही भी उसके अंदर ही है। बाकी N10R और N10 ऑप्शनल दोनों गाड़ियों को खड़ी कर दो भाई, आपको फील डिफरेंस पता ही नहीं चलेगा कि भाई कहाँ पे कौन सा वेरिएंट N10R है और N10 ऑप्शनल है। अगर आपका सच में बजट 14-15 लाख का है तो मैं हिदायत नहीं देता कि आप बुलेरो नियो लो, और भी गाड़ियाँ ट्राई कर सकते हो मार्केट में। अगर आप सच में बुलेरो नियो लेने चाहते हो, और इन्होंने ये गाड़ी बनाई भी उसी पर्पज से थी कि भाई लो बजट जिनका होता है ना वो इस गाड़ी को बाय कर लें, जैसे 9 से 10 लाख के बीच में, इसलिए ये गाड़ी बनी हुई थी। जो मिडिल क्लास के बंदे हैं और जिनको रगड़ फील भी चाहिए, जिनका बजट भी ज़्यादा नहीं होता, लोग क्या करते हैं ना जैसे मेरे जैसे हैं, जो अपना बजट ज़्यादा खींच देते हैं और गाड़ी फिर बुलेरो नियो ले आते हैं। अगर आप सच में बुलेरो नियो बाय करने का प्लान कर रहे हो तो भाई आप N8 चुपचाप जा करके ले लो, N10R और N10 ऑप्शनल में आपको इतना ज़्यादा कुछ देखने के लिए
नहीं मिलता। महिंद्रा आपके लिए क्या कर रहा है भाई, देखो जो टॉप मॉडल वाले हैं उनकी कोई इज्जत नहीं कर रहा है, उनको भाई सिंपली ये वाले अलॉय तो चलो ठीक है, अलॉय कोई दिक्कत नहीं है। टायर तो मैंने बाहर से अपग्रेड करवाए, अपटेरा 82 भाई, जैसे अगर आप देख पा रहे हो। कंप्लेंट थी ना महिंद्रा से वो यही थी कि भाई इस गाड़ी में जो सुधार करें ना, वो सुधार कुछ मैं आपके साथ आगे शेयर करता हूँ। ये वाला इंडिकेटर काट करके यहाँ दे दो तो मुझे लगता है कि ज़्यादा कुछ कॉस्ट बैठेगी इसकी। भाई ऑटो फोल्ड ना ही दो कोई दिक्कत नहीं है, आप हाथों से ही बंद कर देंगे तब भी गाड़ी की लुक आ जाएगी। एक लेंस आप आगे इस पे डाल के दे दो अपना हेडलाइट में। चलो ये तो भाई मैंने आपको एडिशनल चीज़ें बता दी, ये तो मुझे लगता कभी दे पाएगा। चाबी इसकी थार की, स्कॉर्पियो एन की, एक्सयूवी 700 की सेम टू सेम देखने के लिए मिल जाएगी। MID कुछ ऐसा है और कैनवुड का लोगो कुछ ऐसा सा देखने के लिए मिलेगा, महिंद्रा का लोगो भी नहीं आता। बहुत से लोग हैं जो कि अपनी गाड़ी से बहुत सी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। रात के टाइम में जब वो फिजिकल बटन वाला लगा होगा ना, उसमें लाइटिंग भी बहुत अच्छी आती है और उसके अंदर भाई जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो आप ये देख रहे हो, यहाँ पे हमारी MID, इसमें जैसे ये आ गया, टायर प्रेशर मॉनिटर आ गया, कोई भी वार्निंग होगी वो यहाँ पे शो हो जाती है जैसे XUV 500 में है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ 16.2 की अब हमारी गाड़ी एवरेज दे रही है जो कि बहुत अच्छी है। स्क्रीन वाइट बिल्कुल डंप है, इसको कुछ नहीं पता, ये जीरो है, इसके मतलब कुछ भी फीचर्स इसमें नहीं आते हैं, जीरो है भाई ये, लुल बटा सन्नाटा। और रात के टाइम में तो इतनी बेकार सी ब्राइट होती है ना कि मज़ा ही नहीं आता गाड़ी चलाने में। मैं पहले N8 लेने वाला था क्योंकि मुझे N8 वैल्यू फॉर मनी लग रहा था, फिर मैंने बोला चल नहीं यार कोई ना, मैंने बेवकूफ़ी करके दिखाई जो मैक्सिमम लोग करने की कोशिश करते हैं, और वो बेवकूफ़ी थी ये वाला फीचर कि भाई मुझे ये वाला फीचर चाहिए। और ये फीचर है भाई क्रूज कंट्रोल। जी हाँ, क्रूज कंट्रोल जब हम ले लेते हैं ना भाई, इसका यूज़ मैक्सिमम हाईवे में होता है। अगर मैं सिटी में चला रहा हूँ तो इसका क्या ही यूज़ है, ऐसे ही बंद पड़ा हुआ है, इसका मैं यूज़ भी नहीं कर रहा हूँ। तो इस वजह से मैंने भाई इतना पैसा जो है फूंक दिया है। अगर आप भी लेना चाहते हो अपनी गाड़ी सच में बुलेरो नियो, तो आप N8 ले लो, आज की डेट में आप वैल्यू फॉर मनी है। N8 में आपको हर एक फीचर देखने के लिए मिल जाएगा, और उसमें जो म्यूजिक सिस्टम भी आपको दिया गया है ना भाई, वो म्यूजिक सिस्टम भी बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई। तो उसमें फिजिकल बटन है, तो भाई जो फिजिकल बटन की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो फिजिकल बटन प्रैक्टिकली है भाई कि आप किसी से बात करने के लिए चल पड़े तो भाई आपने यहाँ से बटन घुमा दिया, या कोई भी सिनेरियो तो 2 मिनट में बटन घुमा करके बंद कर दिया या ऑन कर दिया। बहुत से बंदे बोलेंगे भाई आप यहाँ से म्यूट कर दो, तो भाई देखो कई बार क्या होता है ना, हाथ यहाँ पे जैसे कुछ भी है कोई भी सिनेरियो ले लो तो बिजी होता है, तो अपना ये हाथ जो अपना लेफ्ट वाला होता है झट से यहाँ पे जाता है और फट से आपका सिस्टम बंद हो जाता है, साउंड कम हो जाता है, म्यूट हो जाता है, आगे पीछे कुछ भी करने के लिए कन्वीनियंट रहता है। तो ये वाला फीचर तो भाई मुझे अच्छे लगते हैं। और इसकी एक और खास बात बताता हूँ भाई आपको जल्दी से, भाई ये मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दी चाबी। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भाई कुछ ऐसा सा लगता है, ये देखो बुलेरो नियो की बैजिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको। कैनवुड यहाँ पे महिंद्रा का लोगो आना चाहिए सब कायदा, वो नहीं आ रहा। महिंद्रा का लोगो क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि भाई इन्होंने कंपनी से कैनवुड वालों से लिया और इसमें सीधा इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने का मतलब ये था कि भाई इंसल्ट करना, वो भी टॉप मॉडल वालों की, समझ रहे हो। तो ये चीज है भाई, देखो महिंद्रा तो कटौती कर ही रहा है फीचर में से, बट आपका फायदा करना मैं कभी नहीं भूलता हूँ। ये है इन्वॉल्व योर सेंस का परफ्यूम, तो इसका आपने करना क्या है, 2 बार स्प्रे कर देनी है इस कार्ड में, और भाई आपकी गाड़ी जो महकेगी ना वो दिन भर महकेगी गजब तरीके से। तो भाई देखो मेरा मेन मोटो ये रहता है, तो अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हो तो आपका भाई इतना तो फायदा होना चाहिए कि आपको डिस्काउंट मिले कोई भी अगर आप परफ्यूम बाय करो अपनी गाड़ी के लिए, क्योंकि भाई जब आप गाड़ी बाय करते हो तो परफ्यूम आपकी गाड़ी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो भाई आप यूज कर सकते हो इन्वॉल्व योर सेंस का परफ्यूम। ये देखो भाई महिंद्रा ने स्पेशली इसके लिए एक पॉकेट भी बना रखी है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, महिंद्रा बोल रही है भाई। ये देखो ये जो पॉकेट है ना, ये इसका परफ्यूम यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली फिट हो जाता है और इधर उधर भी नहीं गिरता। तो भाई काफी वीडियो में आपने ये भी सुना होगा मुझसे कि भाई ये जो मेरा सिस्टम है ये खराब हो चुका है और इसके ये वाले फंक्शन जो है चल नहीं रहे, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सारा का सारा देसी जुगाड़ है। ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो मैं पीछे गया ना, अब इसकी सेटिंग में जाएंगे नॉर्मली और यहाँ पे जाएंगे सिस्टम में। सिस्टम में जाने के बाद आता है यहाँ पे स्टेयरिंग रिमोट करके ये आती है जगह, यहाँ पे हमने कर दिया क्लिक। अब यहाँ पे मेन सा लॉजिक पता क्या है, जो कि आपके आफ्टर मार्केट भी सिस्टम आते हैं ना, आप सेम ही लेकर के चलो। अब ये देखो यहाँ पे ना आपको हार्ड यानी कि लाइट डार्क सी लग रही होगी, और ये वाले थोड़े से ये डार्क लग रहे हैं, ये लाइट से लग रहे होंगे, ठीक है। तो ये क्या है कि ये सिलेक्टेड है, ये अनसेलेक्टेड है। अभी अगर मैं कॉल कट करना चाहूँ ना, यहाँ से कॉल कट टिक भी नहीं होगी और कट भी नहीं होगी। अगर यही अगर महिंद्रा का ओरिजिनल सिस्टम होता तो कॉल पिक भी होती और कॉल कट भी होती और जो है आपके ये वाले सारे फंक्शन वर्क कर रहे होते। अब इस केस में क्या है कि मैंने ये सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे, अब मैंने ये क्लिक किया, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अलग सी लाइट बनी है। अब मैं अगर यहाँ पे इसको प्रेस करके रखूँगा ना तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, ये देखना। अभी प्रेस कर रखा है,
अब ये देखो, अब ये वाला जो यहाँ से कॉल उठ जाएगी, अगर मैं ये बटन दबाऊंगा तो ये कॉल उठ जाएगी और यहाँ से ना वो चीज़ हट चुकी है। और यही मैं यहाँ पे करूँगा तो ये देखना, अभी मैं ये वाला बटन दबाऊंगा, ये देखो ये दबा दिया, वो देखो अब ये वाले आगे पीछे बटन मेरे काम नहीं करेंगे। ये देखो सुनो, अब नहीं कर रहे ना काम, टुन टुन नहीं हो रही, समझ रहे हो। अब ये चीज़, ये मुझे अपना ये करना है गाना आगे, तो मैं ये करूँगा, ये देखो, ये देखो यहाँ से हट गया और ये ऊपर चला गया। और ये करूँगा मैं पीछे, अब मैं फिर से बटन दबाऊँगा तो आप साउंड सुनना एक बार, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, ये मुझे पीछे चाहिए, ये देखो, तो यहाँ से ये हट चुके हैं मेरी। आप बात समझ रहे हो कि भाई ये सारा देसी जुगाड़ है। अब देखो एक बार फिर से आपको करके दिखा देता हूँ कि भाई बोलोगे कि भाई आप ना ऐसे ही उसको भी करो नॉर्मल, जैसे बाहर ले जा करके। ये लो, ये कर दिया मैंने यहाँ पे कॉल वाला, और ये कर दिया मैंने यहाँ पे डिसकनेक्ट वाला। तो ठीक है, अभी मैं बाहर लेके चलता हूँ आपको। अब देखना मेरे गाना आगे पीछे नहीं होगा, ये मैंने गाना लगा दिया, ठीक है। देखो बटन वर्क तो कर रहा है पर गाना आगे पीछे नहीं हो रहा, ये देखो, ये देखो। देखो नहीं हुआ ना, अभी मुझे उसके लिए ना स्पेशली अपने सेटिंग में जा करके, सिस्टम में जा करके, स्टीयरिंग रिमोट में जा करके यहाँ पे करना पड़ेगा, ये आगे और ये सिंपल सा ये पीछे, ठीक है। अब मैं पीछे जाऊँगा और USB, ये देखो अब गाना भी चेंज होगा, ये देखो हुआ चेंज, ये देखो ये गाना चेंज हो रहा है। तो ये सब चीज़ है भाई, ये मैं आपको दिखाना चाहता था। इसमें आपको नॉर्मली एक रेडियो मिल जाएगा, ठीक है जी। रेडियो के बाद अगर आप सीधा हो गए यहाँ पे टेलीफोन में, यहाँ पे आप टेलीफोन में सीधा अपना फ़ोन डायल करके, तो यहाँ पे आप आपका फ़ोन लग जाएगा, जो कि भाई इससे भी टॉप क्लास के आफ्टर मार्केट में। यहाँ पे मैंने अभी कैमरा नहीं लगा रखा, तो आप क्या यहाँ से कैमरा जो है चल पड़ता है। अभी एक और चीज़ है कि आपके कैमरे के अभी वीडियो नहीं चलती इस पर, अगर आप ये वाला कैमरा इंस्टॉल करवा लोगे तो आपकी वीडियो भी चलना शुरू हो जाएगी। तो एंड ऑफ द स्टोरी भाई, मुझे आपको एक ही चीज़ बतानी है कि आप महिंद्रा ने हमें ये कैनवुड का सिस्टम दिया ही क्यों है। इसमें ना तो एंड्रॉयड एप्पल कार प्ले है, सिस्टम बेकार है यार मेरे हिसाब से। अगर मैं अपना प्रोस्पेक्ट लेके चलूं तो ये इसमें ना पैसा देना बेकार है। अगर महिंद्रा इस सिस्टम को ना भी देता ना, अगर मोटा मोटा लेकर के चलो 30-35 हज़ार रुपये आपको कॉस्ट से बच जाता। हालांकि भाई मैंने आपको मिनिमम बताया 40-50 हज़ार के बीच में ही कॉस्ट कर रहा होगा पक्का स्क्रीन भाई, या 30-35 हज़ार या इससे ऊपर ही 110% है, आप एक बार कंफर्म कर लेना। मेरा ये है मतलब अब कहना महिंद्रा को भाई कि आप ये जो हमें स्क्रीन दी जा रही है ना भाई, इसको आप निकलवाओ जितने महिंद्रा ओनर हैं, और हमारा पैसा वापस कर दो। भले ही भाई आप 20 हज़ार रुपये दे दो, हम वो भी ले लेंगे, आफ्टर मार्केट अपना खुद तो लगवा लेंगे, समझ रहे। उसमें भी एंड्रॉयड एंड एप्पल कार प्ले मिल जाएगा भाई 20-25 हज़ार में, एक और A1 क्वालिटी का। A1 भाई वो तो 2-3 हज़ार से भी शुरू हो जाते हैं, बट जो 20-25 हज़ार में मिलेगा ना भाई, वो एक्सट्रीम लेवल का और ए क्लास मिलेगा आपको, तबाही वाला। अगर वो भी नहीं करना है तो आप हमें जो पहले आता था N8R, N10R, N10 ऑप्शनल में जो म्यूजिक सिस्टम आया करता था, वो डाल करके इसमें दे दिया जाए, तब भी मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा कि नहीं भाई आपका जितने भी महिंद्रा ओनर्स हैं उनका पैसा बच रहा है भाई। नहीं तो ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात होगी, अगर कोई आवाज़ उठाएगा नहीं तो ये वाला सिस्टम आपको चिपकाते रहेंगे। और हर एक बंदा भाई जो भी बोलेरो नियो लेता है वो इसकी कंप्लेंट करता ही करता है भाई। कंप्लेंट करने से कुछ नहीं होगा, आपको ना जैसे संगठन होता है ना, संगठन में ये पावर होती है, तो आपको एक संगठन बनाना होगा। जब संगठन बनेगा ना तो महिंद्रा की आंखें खुलेंगी, नहीं भाई वो सच में गलत कर रहे हैं इस म्यूजिक सिस्टम के साथ। और यहाँ पे देखो ये वाली छोटी छोटी चीज़ों की कटौती कर दी गई है, टॉप मॉडल वालों को बेस मॉडल से लेकर के टॉप मॉडल वालों को ये चीज़ें सेम देखने के लिए मिलती है। N4, N8, N10R, N10 ऑप्शनल, ये वाली चीज़ें सबको सेम है भाई, कुछ तो डिफरेंस दे देते हैं N8 के बाद। ये मुझे लगता है कुछ टाइम के बाद ना सीधा N4 को ही टॉप मॉडल बोलना शुरू कर देंगे, जहाँ तक मेरा आइडिया है। अगर आपको हमारा वीडियो इतना सा भी पसंद आया तो भाई वीडियो को जरूर लाइक करें, और आपका कोई भी सवाल है तो भाई आप हमें कमेंट करो, हम उसका जवाब आपको जरूर देंगे भाई। या तो कमेंट करके जवाब दूंगा, या तो फिर आपको भी वीडियो बना करके स्पेशली उसका जवाब लेकर के आऊँगा।
अब इंतजार है तो सिर्फ आपके कमेंट का। जैसे आपका कमेंट आता है भाई, मैं इमीडिएट आपको रिप्लाई करता हूँ। अगर आपका कोई भी डाउट है आप हमसे बेझिझक पूछो भाई। तो इसी के साथ आज की वीडियो का मैं यहीं पे एंड करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग रैम्बलिंग बाउंड्रीज। जय हिंद, जय श्री राम।